were ruled by these two corrupt families. And I knew both of them. You know, I knew Benazir Bhutto and I knew Nawaz Sharif. But they came into power and both of them were quite corrupt. They started making money. So corruption is something which destroys a country. Poor countries are poor not because they lack resources, but because their leadership is corrupt. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बाज़दत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। इमरान खान साहब जब भी इंटरनेशनल मीडिया को एड्रेस करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरेक्शन करते हैं, बहुत बड़ी हेडलाइंस बनना शुरू हो जाती हैं। एक ऐसा ही इंटरव्यू आज भी उन्होंने अल जजीरा पर दिया जिसमें उन्होंने दोनों खानदान, भुट्टो खानदान और शरीफ फैमिली को करप्ट कहा। उन्होंने कहा कि मुल्क के जो खराब मुआशी हालात हैं उसकी बुनियादी वजह ये दोनों खानदान है। अगर मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग ना होती तो शायद मुल्की हालात बहुत बेहतर होते। उनके इस दावे में या इस एलिगेशन में कितनी सदाकत है, इस पर बात करेंगे। हमने देखा है कि मुसलसल इमरान खान साहब अपने अपोनेंट्स को इस तरह के इल्जामात का निशाना बनाते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जितने भी अपोनेंट्स के खिलाफ, पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ इस हुकूमत के केसेस बने हैं, उनमें से कोई एक भी केस प्रूव नहीं हो सका। इसकी वजह क्या है? केसेस में कोई सॉलिड चीज नहीं होती, एविडेंसेस नहीं होते, इंतकामी बुनियादों पर बनाए जाते हैं, सियासी बुनियादों पर बनाए जाते हैं, इस पर बात करेंगे। और कितनी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है कि मुल्क के हालात ही खराब हो गए हैं, महंगाई हो गई है, मईशत खराब हो गई है। इसी तरह की बात शहजाद अकबर साहब भी कर रहे हैं कि कोई 17,000 के करीब उन्होंने ट्रांजेक्शन पकड़ी है जो शहबाज शरीफ साहब को मुल्जम साबित करने के लिए बहुत काफी है, जो कि तमाम मुलाजमीन के अकाउंट्स में लाखों अरबों रुपए निकले हैं। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कोई 16 अरब रुपए के करीब निकले हैं। इसी तरह की बात गवर्नर सिंध इस्माइल इमरान इस्माइल साहब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चूंकि नेशनलाइजेशन भुट्टो साहब की जानिब से की गई थी, उसके बाद से, यानी 50 साल पहले जो काम किया गया था उसके बाद से सरमायादार पाकिस्तान पर आने के लिए तैयार नहीं है। ये उन्होंने किस तरह की बात की है इसका भी जायजा लेंगे। दूसरी जानिब मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही है कि अगर करप्शन ही इस मुल्क का बड़ा इशू होता और आप करप्शन के अगेंस्ट होते तो तोशाखाना केस में तफसीलात सारी सबमिट करते और बताते कि कौन कौन से आपको तोहफे मिले हैं, तवायफ मिले हैं, जिसमें घड़ियां और जेवरात भी आपने बेच के खा लिए हैं, उनकी तफसीलात आप देने से गुरेजा है। फिर चौधरी शुजात साहब का मुस्लिम लीग नून के सरबरा नवाज शरीफ साहब से राबिता हुआ है, इस राबिते के बारे में जानेंगे कि क्या तफसीलात हैं मजीद इसकी। नवाज शरीफ साहब ने, सुनने में आ रहा है कि चौधरी शजात साहब को मुलाकात की दावत दी है, मुलाकात हो सकेगी। कुछ इत्तेहाद की भी बात हो रही है कि शायद नेक्स्ट इंतखाबात में दोनों जमातों का इत्तेहाद नजर आए। इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। मजहर अब्बास साहब सीनियर सहाफी तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, अली गौहर बलोच साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, हसान खावर साहब तर्जमान पंजाब हुकूमत और रहनुमा तहरीक इंसाफ के हैं। आप तीनों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। हसान खावर साहब आपसे शुरू करना चाहता हूँ, ये वाकईतन मुल्की हालात जो खराब हैं ये दोनों खानदान की करप्शन की वजह से ये दोनों जिम्मेदार हैं? देखिए, करप्शन का ताल्लुक मुल्की हालात से क्या होता है? करप्शन का ताल्लुक सिर्फ ये नहीं होता कि मुल्क के अंदर माफियाजान होती हैं, बल्कि जब आपके मुल्क में पॉलिटिकल करप्शन होती है शाहिद साहब, तो आपकी गवर्नेंस भी करप्ट होती है, आपकी टैक्स पॉलिसीज भी करप्ट होती हैं, आपकी इनकम इनइक्वालिटी भी बढ़ती है, गवर्नमेंट के खजाने भी खाली होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता मुल्क की हालत जो है वो दगरगूं होती जाती है। अगर आज आपका मुल्क इस हाल में है कि आपके पास ना कैश बफर्स हैं, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो नहीं बढ़ी, आपके सारे मसाइल जो है ये बेसिकली इसकी बुनियाद करप्शन है। क्योंकि अगर करप्शन ना हो, सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो, तो लोगों की वॉइस रिफ्लेक्ट होती है, एलीट कैप्चर उस तरह से नहीं हो सकता और जनरली सिस्टम के अंदर जान होती है। जब मुल्कों के अंदर से जब जान निकलती है ना, आपकी जो फाइनेंशियल मसल होता है ये एक दिन में नहीं जाता, ये ईयर ऑन ईयर आपकी पॉलिसीज जो है वो खराब होती हैं और वो आपको, आपके मुल्क को खोखला करती हैं। और अगर आपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करना हो तो आपको ईयर ऑन ईयर, आपने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। हसान खावर साहब, आपने एलीट कैप्चर की बात की, आप मुझे बताइए पोलिटिकल ओपोनेंट्स के अलावा आपने किसी के खिलाफ कार्रवाई की है अभी तक? देखें, बिल्कुल कार्रवाई की है। मैं आपको अगर पंजाब एंटी करप्शन का बताऊं कि उन्होंने इस कदर बेशुमार 1750 लोग गिरफ्तार किए हैं पिछले एक साल के अंदर एंटी करप्शन ने। बात यह है कि हम टॉप के केसेस की बात क्यों करते हैं, ये समझने वाली बात है।
देखें, हर मुल्क ने, जिस मुल्क ने भी करप्शन के खिलाफ कामयाबी हासिल की है, उस मुल्क ने टॉप से अपनी जंग शुरू की है। क्योंकि अगर आपने जो आपके मुल्क के ज्यादा मोस्ट पावरफुल लोग हैं, अगर आप उनको प्रोसिक्यूट करेंगे, अगर आप उनको कन्विक्ट करेंगे, तो आप ये मैसेज लाउड एंड क्लियर देंगे। राइट, बिल्कुल ठीक है, इस मुल्क ठीक कह रहे हैं, हासिल नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात जायज है, मुनासिब है, ठीक कह रहे हैं। मुझे ये बताइए, ये तोशा खाना की तफसीलात क्यों नहीं इमरान खान साहब सबमिट कर रहे हैं? अच्छा देखिए, ये तोशा खाना वाली बात है ना, एक तो आप ये देखें कि जब मैं आपको तोशा खाना के सवाल का बिल्कुल जवाब देता हूं, लेकिन ये देखें कि ये ट्रिवलाइज करते हैं मेगा करप्शन को। 16 अरब रुपए के ऊपर आज नहीं, सर, एक नहीं, जवाब सर, नहीं दिया। नहीं सर, चार वज़रा आज़म हैं साबिक और एक साबिक सदर हैं, जिनके खिलाफ तोशा खाना के हवाले से रेफरेंसेज हैं नैब के, और अपोजिशन आपको अलर्ज करती है कि आपने करप्शन की है, घड़ियां बेचती हैं सस्ते दामों लेकर, आपने जेवरात बेचती हैं, ये अलर्ज किया जा रहा है। और जो जिस सहाफी ने ये स्टोरी की थी उसको हरासा किया जा रहा है नामालूम अफराद की जानिब से, जो वकील है उस सहाफी का उसको हरासा किया जा रहा है। तो आप किस करप्शन के खिलाफ जंग लड़ने की बात कर रहे हैं हसन खावर साहब? मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं आपके सवाल पे आता हूँ। मैंने आपको ये कहा है कि जब आप ऑपोजिशन से करप्शन की बात करते हैं तो वो सवाल का जवाब नहीं देते, वो सवाल का जवाब सवाल से देते हैं। आपने मरियम औरंगजेब साहिबा की बात की, मैं उस हवाले से ये बात कह रहा हूँ कि अपने तो 16 अरब का वो ये भी नहीं कहते कि ये हमारे मुलाजमीन थे या नहीं थे, या उनके अकाउंट में पैसे आए या नहीं आए, एक भी ऑन रिकॉर्ड तरदीद उन्होंने इशू नहीं की। तोशा खाने के हवाले से एक कानून वजह है, रेगुलेशन है कि इसके अंदर सेंसिटिविटीज है, इसके ऊपर बारहा बात हुई है। ये एक, अगर आप लोग समझते हैं कि इसको तब्दील होने की जरूरत है, उस कानून को आप चेंज कर दें। अब बताया है लोगों को उसके अंदर सेंसिटिविटीज हैं, कानून के मुताबिक जो प्रिविलेज है वो प्रिविलेज है, उसमें कोई गैर कानूनी चीज तो है नहीं है। अब लोग अगर बैठ के ये चाहें कि आप जो स्टेट की नहीं, गैर कानूनी है ना सर हसन साहब, देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, चार वज़राए आज़म के खिलाफ नैब के रेफरेंसेस हैं, एक प्रेसिडेंट के खिलाफ नैब का रेफरेंस है इसी बात पर कि उन्होंने तोशा खाने से चीजें क्यों ले ली, और इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड है नदीम मलिक साहब के शो में, उन्होंने कहा कि मैंने तोशा खाना के जो गिफ्ट हैं उनको बेचकर अपने घर की सड़क बना ली है। मैं दोबारा आता हूँ, आप जवाब सोच के रखिए। अलीगढ़ बलोच साहब, कुछ 17,000 के करीब ट्रांजैक्शंस हैं जिनसे ये साबित होता है कि शहबाज शरीफ साहब ने और शरीफ फैमिली ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शायद भाई, एक तो ये बात है कि हसन खावर साहब ने जो बातें की और जो बुनियादी बातें बताई कि जब मुल्क में करप्शन होती है तो मुल्क किस तरह से खोखला होता है, तो मैं उन बातों से तो इनके साथ इत्तफाक करता हूँ। और लेकिन साथ ही साथ एक बात और भी ऐड करूंगा, क्योंकि वो इनके लीडर हैं, इमरान नियाजी साहब ने तो ये भी कहा था कि जब वजीर आजम करप्ट होता है तो मुल्क में महंगाई बढ़ती है, जब वजीर आजम करप्ट होता है तो मुल्क के ऊपर कर्जों का बोझ ज्यादा पड़ता है। तो उन बातों को भी ये अपनी बातों के साथ ऐड कर लें तो फिर इनका मौकफ ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आज हम उन्हीं हालात की तरफ बढ़ रहे हैं, और सबसे अफसोसनाक और मजाका खेज बात यह है कि ये अपनी कारकर्दगी तो नहीं बताते, ये अपनी कारकर्दगी ही तो बयान नहीं करते। इनके पास पिछले, वो कहते हैं हमारी कारकर्दगी खराब इसलिए है, मौशी हालात इसलिए खराब हैं चूंकि आप जिम्मेदार हैं उसके, आपकी पॉलिसीज ठीक नहीं थी, आपने करप्शन इतनी ज्यादा की है, आपने मनी लॉन्ड्रिंग इतनी ज्यादा की है। देखिये मिसला साहब, गुजारिश ये है कि ये जब कंटेनर पर न्यायी साहब खड़े होकर भाषण दिया करते थे तो उस वक्त भी मुखालफीन के, जो इनके सियासी मुखालफीन है, उनके खिलाफ हरदा फ्राई किया करते थे, और आज 4 साल गुजर गए हैं। इन्होंने तो कहा था कि अगर हमारे वक्त में ये चीज, ये हालात खराब थे तो फिर ये हमारे दौर का और अपने दौर का कंपेरिजन कर लें। बड़ी सिंपल बात है। आप मुलाजमो के नाम पे आपने अरबों रुपए क्यों रखे हुए हैं भाई? देखें, बुनियादी बात यह है कि अगर ये आप शहजाद अकबर के मीडिया ट्रायल के ऊपर ना जाएं, शहजाद अकबर के पास जो जो सबूत हैं वो लेकर फौरन अदालत में पहुंचे। हमारा, हम अदालतों में पेश हो रहे हैं, हम अदालतों को फेस करवा रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके उनके फैसले करवाएं, और हमें अदालतों के जरिए अगर हम झूठे हैं तो हमें सजाएं दिलवाएं। मजर अब्बास साहब, इमरान खान साहब के इन कमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? मतलब आप समझते हैं जो करप्शन के खिलाफ इमरान खान साहब का बयानिया था वो पिट गया, अब उस पर एतमाद नहीं रहा लोगों का?
शुक्रिया शाहिद। देखिए, मुझे इमरान खान का बयानिया है, वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, एक पार्टी को लीड करते हैं, वो अपना बयानिया रखने का हक रखते हैं। मेरी कंसर्न ये कि आप एक इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को डिस्कस क्यों करते हैं, और उसकी वजह यह है कि जब आप डिस्कस करेंगे तो जाहिर है दूसरा भी जाके आपकी इंटरनेशनल मीडिया पे आपके हवाले से, तो जहां हम हमारी अंदरूनी सियासत है उसको मेरा ख्याल है अंदरूनी सियासत की हद तक महदूद रखना चाहिए, क्योंकि फिर आप करप्शन के उसमें जाएंगे तो फिर आधा सच नहीं बोलना चाहिए, फिर पूरा सच बताना चाहिए। और पूरा सच क्या है? पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करप्ट कब हुई है? पॉलिटिक्स को करप्ट करने की बुनियाद कहां पड़ी है और किस तरीके से पड़ी है? 70s की पॉलिटिक्स तो करप्ट नहीं थी, इसका जिक्र तो खुद इमरान खान भी नहीं करते, इसलिए कि वो पॉलिटिक्स करप्ट नहीं थी, आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स हुआ करती थी और उसमें करप्शन का आंसर नहीं है। तो फिर वजीर आजम को फिर ये भी बताना चाहिए कि पॉलिटिक्स में इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन किसने की और कैसे लाई गई और क्यों लाई गई। तो पूरा सच बोलना चाहिए, आधा सच नहीं बोलना चाहिए। जहां तक ये परसेप्शन है, एक स्ट्रांग परसेप्शन है करप्शन का, इन दोनों फैमिलीज के हवाले से बिल्कुल है ये करप्शन का परसेप्शन। लेकिन आप अगर देखें कि 88 ऑनवर्ड्स जो चीजें हुई हैं, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसको देखना बहुत जरूरी है कि करप्ट किसने किया। मेहरान बैंक स्कैंडल किसका बनाया हुआ है, और मेहरान बैंक स्कैंडल्स में जहां एक फरीक है तो वहां पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाला एक दूसरा फरीक है। तो आप ये तो नहीं हो सकता कि जिसको पैसे दिए गए हैं उसका जिक्र तो आप करें, जिसने पैसे जिसको पैसे देने का इल्जाम है उस पर खामोशी इख्तियार करें। फिर आपने ही 2008 में जिसको आज आप मोस्ट करप्ट आदमी कह रहे हैं शरीफ, उनके इत्तेहादी थे आप 2008 तक, इमरान खान उनके इत्तेहादी थे, और अगर वो भी बॉयकॉट कर देते इलेक्शन में तो शायद वो इत्तेहाद आज तक बरकरार रहता। तो हमें इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस को देखना चाहिए। 2002 में चौधरी और PMLQ के हवाले से इमरान खान क्यों वॉकआउट कराए थे उस मीटिंग से जो जनरल मुशर्रफ प्रेजाइड कर रहे थे? इसलिए कि उन्होंने कहा कि इन्होंने एक चोरों से मुआहदा कर लिया। उस वक्त उनकी नजर में चोर चौधरी थे, आज वो चौधरी के बगैर पंजाब में गवर्नमेंट बरकरार नहीं रख सकते। तो मेरा ख्याल है हमें इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन को खत्म करने की बात करनी चाहिए, और बदकिस्मती से इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन को खत्म करने के कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। देखिए, आप जब आप पनामा में आपने दे दी ना नवाज शरीफ को सजा, बाकियों का क्या बना? पेंडोरा वाले में क्या बना? कहां गई FIA की फाइंडिंग्स? किधर है? बिल्कुल इसी तरीके से मेरे ख्याल में जब एक प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे जब आदमी बात करता है तो प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे आपको इंटरनेशनल मीडिया को ये बताना चाहिए कि आप इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन के खिलाफ इकदाम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बजर भाई, ज्यादा चीजों को इमरान खान साहब की जानिब से एग्जेजरेट नहीं किया जाता, जैसे वो कह रहे हैं कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग ये दो खानदान ना करते तो मुल्क के हालात अच्छे होते, ये जिम्मेदारी तो इन पर आए नहीं होती, एक तो इकदाम करें जेलों में भेजें, दूसरा ये है कि आज अगर महंगाई है वो तो बैड गवर्नेंस की वजह से है, अगर मईशत खराब है तो वो बैड गवर्नेंस की वजह से है, गैस नहीं है वो बैड गवर्नेंस की वजह से है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग फिनोमेना जो है ना, ये 9/11 के बाद का फिनोमेना है। 9/11 से पहले बर्तानिया में वेलकम किया जाता था जो लोग पैसे लेकर आते थे। ये जो जब आपको टेरर फाइनेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट आया ना कि फाइनेंस किया जा रहा है टेररिज्म को थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग, उस वक्त वो, और मनी लॉन्ड्रिंग अगेन आई एम नॉट श्योर कोर्ट अपना फैसला करेंगे FIA और NAB क्या रेफरेंस कर रही है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग कहा उससे जाता है जो पैसा जाके फिर टेरर फाइनेंसिंग में इस्तेमाल हो। राइट। अब यहां जो है, जैसे डॉक्टर आसिम वाला केस है, वो केस क्यों नहीं चल पा रहा, वो केस क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा? इसलिए कि जब आप ये कहते हैं ना कि आपने आपके उनके उनके 8 या 10 टेररिस्ट को MQM के जो है डॉक्टर आसिम के अस्पताल में ट्रीट किया गया, तो उसमें टेररिज्म का चार्ज आप फिर उस पर कैसे लगाएंगे? वो बड़ा डिफिकल्ट है। ऐसे बेशुमार केसेस हैं। तो मेरे ख्याल में जो डिफिकल्टी आ रही है ना NAB को या FIA को, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही।
अल्टीमेटली कोर्ट अगर सजा देता है, कोर्ट सजा देता है और कोर्ट डिस्क्वालीफाई करता है और फिर फाइनल अपील भी रिजेक्ट हो जाती है, वो उसके बाद आप ये कह सकेंगे कि हाँ योर केस इज नाउ क्लोज। बिल्कुल ठीक है, ये नवाज शरीफ या मरियम नवाज के साथ में गिल्टी है। बट ये जो इमरान खान साहब स्टेटमेंट देते हैं और आउटराइटली देते हैं कि ये दोनों खानदानी मुल्क में तमाम खराबियों के जिम्मेदार हैं, ये स्टेटमेंट मुनासिब है? आप इससे इत्तेफाक करते हैं? नहीं नहीं, इत्तेफाक और गैर इत्तेफाक की बात नहीं है। शायद उनका 1996 से टिल दिस डे अगर और अगर उन्होंने बेशुमार चीजों पे यू टर्न लिया है, अगर उन्होंने नहीं लिया, यहां मुझे वो पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी नजर आती है कि उनके बयानिए से आप जरूरी नहीं, आप मैं इख्तलाफ भी कर सकता हूं, इत्तेफाक भी, लेकिन ये उन्होंने कहीं चेंज नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग, उनके साथ इत्तेहाद किया है। बिल्कुल सही है, इत्तेहाद किया है तो ये यू टर्न नहीं है फिर? नहीं नहीं, इत्तेहाद किया है, मैं ये तो कह रहा हूं 2008 में जरूर किया है इत्तेहाद, लेकिन उनका एक एक ओपिनियन इन दोनों खानदानों के बारे में एक रहा है, आप उससे एग्री करें या डिसएग्री। बिल्कुल ठीक है। इसी नोट पे छोटे से ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कल एक छोटी सी डेवलपमेंट हुई है जस्टिस वजीउद्दीन के इल्जाम या बयान के नतीजे में। इमरान खान साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है, उन्होंने तर्जमानों को कहा है कि मीडिया जो मेरी करप्शन है उस पर बात कर रहा है, अपोजिशन की करप्शन पर बात नहीं कर रहा। भाई मीडिया तो तमाम लोगों की करप्शन पर बात करेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हसन खावर साहब, नून लीग वाले कहते हैं मुकदमात फ्रॉड पर बेस करते हैं, दूसरा झूठे हैं, तीसरा वो कहते हैं अगर इनमें कोई सच्चाई है तो अदालतों से रुजू करें। आप अदालतों से रुजू किए जी, चलान तो जमा हो गया, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि जब आप इनसे ये सवाल करेंगे तो इनकी तरफ से आज तक एक भी पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आई कि ये लोग हमारे मुलाजमीन नहीं थे या इनके अकाउंट में पैसे नहीं आए, एक भी नहीं आई, एक भी। और ये आज भी आपने देख लिया, इस प्रोग्राम में भी देखा, आप अखबार भी पढ़ते हैं, रोज देखते हैं आपने, तो मैं ये बात वाजे करना चाहता हूँ। आपने मईशत की बात की, जब आप कहते हैं मईशत नहीं सही चल रही तो मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। अगर आप कहते हैं इस मुल्क में महंगाई है तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। महंगाई सिर्फ और सिर्फ मईशत का नाम महंगाई नहीं है, मईशत का नाम ग्रोथ भी है, मईशत का नाम आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी भी है, मईशत का नाम आपके रेमिटेंसेस भी हैं। वो सारे टारगेट आपके ऊपर जा रहे हैं, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के अंदर बहुत बड़ा कंपोनेंट शायद साहब जो आपकी आलमी मंडी में तेल की कीमतें ऊपर गई, ग्लोबली आपके सप्लाई चेन में डिस्टॉर्शंस आई, उनको देखना पड़ेगा। पाकिस्तान पूरी दुनिया का पार्ट है, आइसोलेटेड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आपने गैस की बात की, देखिए गैस के ऊपर इन्फॉर्म्ड डिस्कशन होना जरूरी है। गैस का मसला क्या है? गैस का मसला ये है कि आपका 9% की रफ्तार से सालाना आपके लोकल रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं। सर आप इंपोर्ट नहीं कर सके, देखिए हमारे पास 14 कार्गोज की कैपेसिटी है लेकिन हमने इंपोर्ट 9 किए हैं, इस तरह के इश्यूज हैं और ये साल है साल से हो रहा है। आप बिजली भी फर्नेस ऑयल पर बना रहे हैं, नून लीग ने फर्नेस ऑयल पर प्रोडक्टिविटी बंद कर दी थी, प्रोडक्शन बंद कर दी थी। नहीं नहीं, उसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है हसन साहब जी। शायद साहब गैस की बात समझनी पड़ेगी, आपका जो डोमेस्टिक टैरिफ है वो $2 से $3 का है, आप अपने कंज्यूमर्स को डोमेस्टिक गैस दे रहे हैं। एलएनजी की जो कीमत है आप वो 14 छोड़ के 24 कार्गो भी ले लें, आप वो गैस अपने कंज्यूमर्स को डोमेस्टिक को नहीं दे सकते। उसकी वजह ये है कि आपका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी $12-13 के ऊपर है, आप उनको वो गैस देना शुरू करेंगे, आपके एक साल में आपका गैस का सर्कुलर डेट बिजली से बढ़ जाएगा। आपका मसला यह है कि आपने डोमेस्टिक कंज्यूमर को सब्सिडाइज किया है, जो दुनिया में इस वक्त गैस जो है $13 की है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में वैसे $20 की है, वो आप $3 में देते हैं। बिल्कुल ठीक है, चले इस पर। वैसे आज जो तर्जमानों का इजलास था, गवर्नर सिंह भी उस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने भी हमाद अजहर साहब की वजीर आजम को शिकायत की है कि फोन नहीं उठाते, ये इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलने के लिए तैयार नहीं है और गलत कमिटमेंट्स भी करते हैं। दूसरा मुझे ब्रीफ सा कमेंट कर दें कि नून लीग पहले से कह रही थी कि शहबाज शरीफ साहब को पकड़ने की तैयारियां आप कर रहे हैं, तो आपने माहौल उस तरह से बनाना शुरू कर दिया है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है? उनको पहले से ही पता था कि इस केस पे ऐसा हाथ डला है कि यहां से निकलना मुश्किल है। और मैं आपको बता रहा हूं इस केस के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट सबूत हैं, उनको नजर आ रहे थे। बिल्कुल ठीक है, ये 10-15 दफा पहले भी कह चुके हैं ऐसी।
बिल्कुल ठीक है, मैं आता हूँ जी। अली गौहर बलोच साहब, आपके खिलाफ ब्लैक एंड व्हाइट सबूत मौजूद है, आप शहबाज शरीफ साहब भी जेल में जाएंगे और नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उनको भी जेल भेजा जाएगा, जेल उनकी मुंतजर है। तो जेल में जाने के लिए नवाज शरीफ आ रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब भी जेल जा रहे हैं? ब्लैक एंड व्हाइट सबूत तो इनके पास पनामा में भी थे, फिर वो अकेमा वाला सिलसिला क्यों हो गया? ब्लैक एंड व्हाइट सबूत तो इनके पास जो थे वो हमारी तमाम ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में भी थे, एहसन इकबाल साहब के बारे में भी थे। उन केसेस का क्या बना? अदालतें क्या कहती हैं नैब को कि आप दो दो साल आप रेफरेंस दायर नहीं करते, फिर उनको जमानतें भी देनी? असल मकसद सिर्फ विक्टिमाइजेशन और मीडिया ट्रायल का है। दूसरी गुजारिश ये है कि एक आसान खबर साहब ने बड़ी मजाकिया खेत बात की है कि देखें जी हम बात कर रहे हैं तो ये आगे थे। मतलब अब ये मुझसे ये तवक्को करते हैं कि अगर इमरान की बहन ने कोई डाका डाला या इमरान न्याजी ने कोई डाका डाला तो मैं उसका प्रोग्राम में जिक्र ना करूं, मतलब है कि मैं अपनी डिफेंस पे रहूं। भाई देखें, मदर अब्बास साहब ने एक बात की, हम तो तिफले मकतब हैं, हम तो मदर भाई जैसे लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। इन्होंने एक बात की कि आधे सच और पूरे सच वाली, तो मेरी इनसे भी ये गुजारिश है कि जब ये करप्शन पर तबसरा कर ही रहे हैं तो फिर जो मौजूदा हुकूमत के करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल है जो वो दोनों हाथों से खा रही है, मदर भाई को उन पर भी रोशनी जरूर डालनी चाहिए थी, उन पर भी अपना प्रोटेक्शन देना चाहिए था कि इनका। देखिए, मदर साहब ने अगर नहीं बात की तो कोरोना के ऊपर जो अरबों रुपए के ऑडिट पेरर्स बने उसके बारे में नहीं इन्होंने कोई राय दी। ये तो इन्होंने कह दिया है कि इमरान खान का एक अपना वो मतलब नैरेटिव रख सकते हैं, अपना मौका, मैं भी इस बात की तारीफ करता हूँ, वो अपना एक मौका रख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक सहाफी से हम ये तवक्को करते हैं। और हम तो समझते हैं कि जो दो चार मखसूस लोग हैं जो कि न्यूट्रल तजिया करते हैं उनमें मदर बात आपको जमा जवाब ले लेते हैं। मैं इनसे तवक्को करूंगा कि ये इनकी जो मौजूदा हुकूमत की करप्शन है और जो कि दोनों हाथों से लूट रहे, मुझे ये बताएं कि जो चीनी स्कैंडल है उसकी जो रिपोर्ट आई थी उन पर क्या एक्शन हुआ है? उस पर साफियों को तबसरा करना चाहिए जो तो करते हैं भाई है। वो पीटीआई को यही तो हमसे शिकायत है, वो तो कल इमरान खान साहब ने भी कहा है कि मीडिया जस्टिस वजीउद्दीन के इल्जामात पर बात कर रहा है लेकिन अपोजिशन की करप्शन पर। देखिए, अकरम एस बाबर वजीउद्दीन, उन्होंने यकीन करें कि थोड़ी सी बात की इनकी पार्टी के लोग लंका डाये और यकीन कर ले कि इनके मुंह से ऐसी आवाजें निकल रही हैं जैसे चिड़िया की गर्दन पर किसी का पांव आ गया। ठीक है, ठीक है, निकल गई है, बिल्कुल ठीक है। मजर अब्बास साहब, अली गौहर बलोच साहब शिकवा कर रहे हैं कि आप आज की करप्शन पर बात नहीं करते हैं। पहली चीज तो ये, आप मुझसे जो सवाल करेंगे मैं उसी का जवाब दूंगा ना जी। आपने मुझसे इमरान खान साहब के हवाले से जो उन्होंने इल्जाम लगाए हैं, आपने उसका मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई नुमाइंदा तो नहीं हूं कि मैं किसी चीज को कहीं। और हाँ, आप मैं कई मरतबा जब इस तरह की बात होती है तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, हमेशा बात करते हैं, हमेशा बात करती और स्कैंडल पर आपने बात की, डट के बात की, और अभी भी मैं इमरान खान साहब की इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन की बात तो कर रहा हूं ना पीएमएलक्यू के हवाले से, लेकिन मैं किसी के कहने पर नहीं करता। मुझसे कोई सवाल करेगा मैं यकीनन करूंगा। आप मुस्लिम लीग नून के पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप में उनके उनके सरबराह ने इन तमाम मुकदमात की जिनकी वो बात कह रहे हैं, इन सारी इंक्वायरीज की सारी बात करें, उस पर कोई पोजिशन किस तरह की ली है, उस पर क्या डायरेक्टिव हैं, वो देखना पड़ेगी हमें। दूसरी बात यह कि दवाओं का बहुत बड़ा स्कैंडल था और मैंने ये बारहा ये बात की है, जब इस पर बात आती है, महंगाई पर बात आती है, तो मैं बिल्कुल किसी से, क्योंकि मेरा कोई, मैं तो आज तक प्राइम मिनिस्टर हाउस गया भी नहीं हूं, बिल्कुल ऐसे मैंने तो, मेरे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं इमरान खान साहब को 1989 से जानता हूं, आज से नहीं जानता, और सिर्फ यही नहीं, मैं माजी में भी जो हुक्मरान रहे हैं तो मेरा शायद एक आध मरतबा अगर कोई ऑफिशियल मुझे इन्विटेशन मिलता है तो मैं चला जाता हूं, मेरा वो तरीका नहीं है। लेकिन स्ट्रॉन्ग करप्शन की इल्जाम हैं, चाहे उनपे बीआरटी आप उठा लें, आप दवाओं का स्कैंडल उठा लें, और दवाओं की स्कैंडल्स में सबसे ज्यादा जो अफसोसनाक बात यह है कि आपने एक मिनिस्टर को हटा के एक पार्टी की सेक्रेटरी जनरलशिप दे दी। बाकी मामला में भी ऐसा ही हुआ है
ये गुलाम सरवर खान पर भी इल्जाम लगे हो, उनकी भी मजिस्ट्री तब्दील कर दी गई। मजर भाई मैं आगे आपकी इजाजत अगर दें तो बढ़ना चाहूंगा, जस्टिस वजीहुद्दीन के इल्जाम को कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के बारे में ये तासुर गलत है कि वो ईमानदार आदमी है, वो तो तनीन साहब से पैसे लेते थे महाना। देखिए अगर ये तासुर गलत है तो जस्टिस वजीहुद्दीन साहब तहरीक इंसाफ का हिस्सा क्यों रहे और इतने अरसे बाद आके वो इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? लेकिन जस्टिस वजीहुद्दीन ने जो 2013 में पीटीआई के इंटरनल इलेक्शंस हुए थे उसमें उनकी बड़ी कॉम्पैक्ट रिपोर्ट थी और बदकिस्मती है कि इमरान खान साहब ने उस वक्त पोजीशन नहीं ली। उन्हें उन्हें जस्टिस वजीहुद्दीन, क्योंकि आपने इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन जस्टिस वजी को बताया था और ये जो जहांगीर तरीन साहब ने उसकी तरदीद की है ना, उसकी बड़ी वजह यही है, वो बैकग्राउंड है, क्योंकि जस्टिस वजी ने अपनी रिपोर्ट में अलीम खान साहब को, परवेज खटक को और जहांगीर तरीन को उन्होंने पार्टी इलेक्शन में रिगिंग का जो है वो करार दिया था कि उनपे एक्विजिशन उनके बकौल साबित होती थी। इमरान खान साहब ने बजाय इसके कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते, उन्होंने जस्टिस वजीहुद्दीन को फारिग कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, अगर जस्टिस वजी गलत होते तो फिर तस्नीम नूरानी क्यों गलत हुए? बिल्कुल, तस्नीम नूरानी को भी फारिग किया, इसका मतलब ये। और उसके बाद हमने पीटीआई के अंदर इलेक्शंस नहीं देखे उसके बाद। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अकबर एस बाबर भी इसी तरह की करप्शन की बात करते हैं। छोटे से ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बजर अब्बास साहब, अली गौर बलोच साहब, हसान खावर साहब, निसार खोड़ू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसान खावर साहब, इसी तरह की बात रेहम खान साहबा ने अपनी किताब में भी की है कि इमरान खान साहब को अनिल मुसर्रत पैसे दिया करते थे 12 लाख रुपए माहवार, वही बात जस्टिस वजीहुद्दीन साहब भी कर रहे हैं, अकबर एस बाबर साहब भी इसी तरह के इल्जाम लगा चुके हैं। अच्छा देखें, ये तो आपको मजर साहब ने बताया कि अगर जस्टिस वजीद साहब ये समझते थे तो वो क्यों पार्टी के साथ थे। दूसरी बात ये है कि वो एक रिटायर्ड जज हैं, अगर वो किसी शख्स पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं और किसी की पगड़ी उछालना चाहते हैं तो ये उनसे तवक्को होनी चाहिए कि उनके पास कोई सबूत होना चाहिए। आप मुझे बताएं ये किस किस्म का इल्ज़ाम है? और जहांगीर तरीन साहब ने आपने देखा खुद उसकी फौरी तरदीद की, इस किस्म के इल्ज़ाम लोगों पर नहीं लगाने चाहिए। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में किसी की पगड़ी उछालना आसान हो गया। मैं आज किसी इधर बैठे किसी शख्स के बारे में ये कह दूं, मेरे से तो कोई सबूत मांगेगा नहीं। आप मुझे बताएं कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होना तो चाहिए? आपने भी तो यही किया है ना, मीडिया का काम तो ब्रॉडकास्टिंग करना है, जो भी स्टेक होल्डर होगा उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यही बात इमरान खान साहब ने कल की है अपने इजलास में, उन्होंने कहा जी मेरी करप्शन पर, मेरे खिलाफ इल्जाम पर बात हो रही है, मीडिया अपोजिशन की करप्शन पर बात नहीं कर रहा। मीडिया तो भाई पिछले 5 साल से अपोजिशन की करप्शन पर बात कर रहा है, बल्कि इससे भी ज्यादा, और मीडिया की वजह से ही तो नवाज शरीफ साहब जेल में एक तरह से गए। तो ये तो कोई मंतक ना हुआ हसान खावर साहब कि हम अपोजिशन की करप्शन पर बात करें और आपकी करप्शन पर ना बात करें। आपकी बात नहीं कह रहा, आप मेरी बात नहीं समझे, मैं मीडिया की बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि एक रिटायर्ड जज जब ये बात करते हैं तो उनसे बेहतर ये बात कौन जानता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है। मेरी बात का मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इल्जाम लगाने वाले की बात कर रहा हूं कि एक शख्स जो खुद रिटायर्ड जज है, एक पार्टी से मुंसलिक रहा है, आज वो उठ के किसी शख्स के ऊपर ज्यादा इल्जाम लगाता है बिना किसी सबूत के। आप मुझे बताएं कि इस मुल्क में किसी की पगड़ी उछालना कितना आसान हो गया। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं भी ये कर दूं तो कोई मुझे पूछने वाला नहीं। इमरान खान साहब भी तो यही कर रहे हैं ना। मेरे साथ आइए निसार खोड़ू साहब, सीनियर दानमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। निसार खोड़ू साहब, इमरान खान साहब ने कहा है कि मुल्क में खराबी का सबसे बड़ा जिम्मेदार भुट्टो खानदान है और शरीफ खानदान है, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए बात सुने, ये कोई नई बात तो उसने की नहीं है, जिस दिन से आए हैं उस दिन से यही बातें किए जा रहे हैं। जरदारी साहब, शरीफ साहब, ये खानदान। मेरा सवाल तो ये है कि 3.5 साल में क्या कर रहा था? ये 3.5 साल जो इसको हुकूमत में हुए उसके जो लवाजमात पैदा हुए उसका कसूर क्यों नहीं अपने सर पे लेता? क्यों कहता है कि मुझे डॉलर महंगा तो मैंने टीवी में सुना? क्या प्राइम मिनिस्टर इस तरह से होता है कि टीवी में सुने कि डॉलर महंगा हो गया? ये इकोनॉमिक पॉलिसीज अगर जो उसने अपनाई है, जो आईएमएफ ने किया
या उसकी जो उसके साथ जो एग्रीमेंट की, हमने तो मांगा था कि जी पार्लियामेंट में लाओ कि आईएमएफ से डील हुई क्या है। ये डेमोक्रेटिक हुकूमत का क्यों फर्ज नहीं बनता कि वो पार्लियामेंट में पेश करे कि आईएमएफ के साथ क्या डील है, और वो क्यों पार्लियामेंट से पकड़ो घबरा के और छुपा रहा है अपनी चीज को। ये पेट्रोल महंगा, ये बिजली महंगी, ये गैस महंगी, जो हम खुद पैदा करते हैं उसकी लोड शेडिंग, उसकी ये जो तकलीफ दे रहा है, ये तो खुद दे रहा है ना। ये 3.5 साल में ये क्या कर रहा है? इन्होंने खुद कहा था कि मैंने 22 साल से लोगों को लिखा है, मैंने पाकिस्तान की सियासत को परखा है, मैंने जदोजहद की है, मैंने ये सीखा है। उसके बाद ये क्यों आके कहता है कि मैं तो अभी सीख रहा हूं, अभी मैं सीख रहा हूं। उसका ये भी स्टेटमेंट आपको बोलना नहीं चाहिए कि इमरान खान ने ये कहा है कि मैं अभी सीख रहा हूं, जितना अभी सीखा है पहले कभी नहीं सीखा। बिल्कुल ठीक। तो ये जो कुछ भी है, ये इसको क्या पता नहीं है कि पेट्रोल जो महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है? इसको पता नहीं था कि इसके पास पैसे नहीं है और घर बनाने की बातें कर रहा है? इसको पता नहीं था कि जी इतनी एम्प्लॉयमेंट का जो इशू है वो सिर्फ कहने से हल नहीं होगा? राइट, बिल्कुल। ये अपनी कारकर्दगी क्या दिखा रहा है? बिल्कुल ठीक। अपनी कारकर्दगी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप हमारे साथ ही रहिए। अली गौर बलोच साहब, चौधरी शुजात साहब से नवाज शरीफ साहब की बात हुई है, मुलाकात होने जा रही है, कोई इत्तेहाद की भी बातें हो रही हैं इस्लामाबाद में? तो देखिए, सियासी जमाते हैं, मेतला साहब जाहिर है रबते होते हैं, हमारे और काफ लीग के तल्लुकात बहुत कशीदा रहे माधी में, और जाहिर है उसके बाद आपने ये भी देखा कि फिर अब कुछ अरसा से जाहिर है दोनों की लीडरशिप का आपस में रब्ता वक्तन फक्तन होता रहता है। और चौधरी शुजात साहब जो है उनकी तबीयत के हवाले से पहले मिजाज कुर्सी भी हमारी तमाम लीडरशिप ने की है, और इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी रब्ता होना भी चाहिए, दुश्मनी की हद तक नहीं जाना चाहिए। जिस तरह कोई इत्तेहाद की भी बात हो रही है कमिंग इलेक्शंस पे, अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन कोई चीज भी देखें, सियासत में कोई चीज बही तो नहीं होती। सियासी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपस में इत्तेहाद या मतलब है कि वो उस तरफ पंजाब में दायर है, वो भी पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये मुलाकात कब हो सकती है मुमकिन तौर पर? ये तो आप दोनों की लीडरशिप ही बता सकती, मेरे नॉलेज में तो अभी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं एक गुजारिश करूंगा कि अभी जो बात हम कर रहे थे, देखिए बात ये है कि हम बात कर रहे थे करप्शन के ऊपर इमरान खान साहब के आज के इंटरव्यू के हवाला से। देखिए अब पिशावर केपीके में जो है वो एक, आपको पता है कि जब इनकी फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट बनी थी तो इन्होंने एहतसाब, वो मतलब है कि वो एक बोर्ड बनाया था, उसका एक चेयरमैन बनाया था। जब उन्होंने इनके उस वजीर आला की करप्शन की निशानदेही की तो वो बोर्ड भी खत्म कर दिया और उसके सरकार को बिठा, मतलब ये एक टाइम खत्म हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम इस पर बात कर चुके हैं। जिस तरह से जस्टिस वजीउद्दीन साहब को इन्होंने हटा दिया, इलेक्शन का उनको बनाया गया पहले, वो जो पीटीआई जी जी बात हो जो हो गई है अलीगौर बलोच साहब, बात हो गई है, टाइम खत्म हो रहा है, प्लीज मुझे आगे बढ़ने दीजिए। करप्शन करने वाले की पार्टी में सपोर्ट करते हैं और उन्हीं एटीएम के जरिए ये खुद अपनी जेबें भरते हैं। बिल्कुल ठीक है बजर अब्बास साहब, बिल्कुल ठीक है, करें उसको टारगेट करते हैं। बजर भाई आपकी बड़ी गहरी नजर है, लीडरशिप जो काफ लीग की है उसके साथ भी बड़े गहरे मरासिम है, हमें बताइए कि क्या क्या कुक हो रहा है? मुझे नहीं लगता कि उस हद तक बात जाएगी। ये एमएलक्यू की पॉलिटिक्स बिल्कुल डिफरेंट पॉलिटिक्स है, और अगर शरीफ और इनका इत्तेहाद होना होता तो बहुत पहले हो जाता, तो उसके तो इम्कानात मुझे नहीं लगते। हाँ, एक वर्किंग रिलेशनशिप हो सकती है, बन सकती है, लेकिन पीएमएलक्यू जिस तरह की पॉलिटिक्स करती है और जिसकी वजह से पॉलिटिक्स करती है उसमें पीएमएलएन फिट इन नहीं हो रही, और उसके अंदर खासतौर पर जाहिर है मियां साहब फिट इन नहीं होते उस पॉलिटिक्स के अंदर। तो मुझे उस लिहाज से उस हद तक मेरे ख्याल में जो उन्होंने कॉल की थी तो इनिशियली तो चौधरी शुजात साहब की सेहत के हवाले से की थी, और चौधरी परवेज इलाही का जो इस वक्त जो उनकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है वो जरदारी साहब से बन रही है, वो पीपल्स पार्टी से बन रही है, वो जहांगीर खान तरीन से बन रही है, वो पीएमएलएन और पीटीआई के। लेकिन देखिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कॉमेडी ऑफ एरर्स है। आप खानेवाल का इलेक्शन इसकी क्लासिकल एग्जांपल है कि जो कैंडिडेट पिछले इलेक्शन में कहां से लड़ा था वो कैंडिडेट इस इलेक्शन में कहां से लड़ा, और पिछले इलेक्शन में जो कैंडिडेट जहां हारा था वो इस मरतबा कहां से लड़ा। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कॉमेडी ऑफ एरर्स है,
और इसमें ये चलती रहेगी कोई ये जो कॉन्टेक्ट्स हैं ये इन हाउस तब्दीली की जानिब भी प्रोसीड हो सकते हैं खास तौर पर पंजाब की अगर बात की जाए तो आप चौधरी परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए वो कर लें PMLN तैयार हो जाएगी चौधरी परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगी उसके अलावा PMLQ क्यों वोट देगी और क्यों अपने और मैंने वही बात की कि PMLQ जिस तरह की पॉलिटिक्स करती है उसमें फिलहाल इस तरह की कोई चीज मुझे होती नजर नहीं आ रही है पॉलिटिक्स में हमारे यहाँ कुछ भी हो सकता है बिल्कुल ठीक हो गया मजर अब्बास साहब हसन खावर साहब अली कौर बलोच साहब निसार कोड़ू साहब आप चारों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए इजाजत अल्लाह हाफिज़।